देवों में सर्वप्रथम भगवान गणेश पूज्य हैं। वे विघ्नहर्ता कहलाते हैं। लोगों ने उनकी आस्था इतनी है कि पूरे एक महीने तक महाराष्ट्र में गणेश उत्सव चलता है। भगवान श्री गणेश से जुड़ी कई कहानियां और किस्से हैं। कई ऐसे मंदिर हैं जो भक्तों को उनके होने का एहसास दिलाते हैं। उन्हीं में से एक है स्वयंभू भगवान गणेश का त्रिनेत्रधारी मंदिर। कहते हैं यह मूर्ति स्वयंभू है और कई सौ सालों से इस स्वयंभू त्रिनेत्रधारी मूर्ति की पूजा अनवरत चली आ रही है। रणथंभौर के प्राचीन किले में स्वयंभू त्रिनेत्र गणेश जी की प्रतिमा वाला प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें विशाल जनास्था जुड़ी हुई है। गणेश जी के तीसरे नेत्र होने की महत्ता पर केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि गणेश जी भी अनादि रहे हैं। अतः उनके त्रिनेत्रधारी होने का यदि कोई ऐतिहासिक प्रसंग रहा हो तो वह विलुप्त प्रतीत होता है। रणथंभौर के सर्वप्रसिद्ध चौहान राजपूत शासक हम्मीर देव की रानी और पुत्री प्रतिदिन त्रिनेत्र गणेश जी की पूजा करने आती थी और उनके समय से गणेश चतुर्थी का वार्षिक मेला लगना प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आने वाले वर्षों में अनेक मुगल शासकों ने भी रणथंभौर पर राज किया, किंतु उनमें से किसी ने भी गणेश जी की प्रतिमा के प्रति असम्मान नहीं दिखाया। अपितु मूल मंदिर को ढकते हुए उन्होंने गुंबद बनवाकर उससे मंदिर को सुरक्षित बनाया। इस मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा का केवल मुख भाग ही दिखाई देता है, किंतु शेष भाग शिलाखंड में अदृश्य है। मंदिर स्थित गणेश जी की विघ्न हरण मंगल करण रिद्धि सिद्धि दाता तथा माता पार्वती पुत्र होने की प्रसिद्धि है। गणेश जी की मोदक नारियल और पुष्प मालाओं से पूजा की जाती है। गणेश जी के चमत्कार का एक प्रमाण भारत का अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम में योगदान का है, जब महाराष्ट्र में गणेश जी को राष्ट्रीय देवता के रूप में लोकमान्य तिलक ने प्रतिष्ठित करते हुए गणेश चतुर्थी उत्सव को सबसे बड़ा पर्व घोषित किया था। महाराष्ट्र के पत्थर पत्थर पर हर हर महादेव के जय घोष अभिषिक्त महाराष्ट्र में गणेश जी को इतनी महान प्रतिष्ठा कदाचित त्रिनेत्रधारी शिव जी के सम्मानार्थ फलीभूत हुई। वर्षाकाल के कारण रणथंभौर दुर्ग के आसपास हरी भरी पर्वतीय घाटियां, विस्तृत वन, सरोवर, झीलें प्राकृतिक सौंदर्य को विकास का आयाम दे देती हैं। वन्य जीवों की उपस्थिति वातावरण को और अधिक आकर्षक बना देती है। लंगूरों का झुंड स्वयं श्रद्धालुओं के हाथ से आकर चने इत्यादि भोजन सामग्री का सेवन करते हैं तथा किसी को हानि नहीं पहुंचाते। मंदिर के सामने पूर्व दिशा में श्रद्धालु जन बड़े पत्थरों से एक छोटा सा एक मंजिल अथवा दो मंजिला प्रतीकात्मक भवन बनाकर स्वयं के लिए भवन की इच्छा पूर्ति का उपक्रम करते हैं। प्रतिवर्ष लाखों पत्र, निमंत्रण पत्र इत्यादि गणेश जी को न्योता देने के लिए आते हैं, जो किसी की मनोती, विघ्न रहित विवाह, ग्रह प्रवेश तथा आजीविका हेतु प्रार्थना से जुड़े होते हैं। अरावली पर्वतों के बीच बसे ऐतिहासिक नगर सवाई माधोपुर और निकटवर्ती रणथंभौर न केवल सांस्कृतिक गौरव वन तथा टाइगर अभयारण्य के कारण विश्वविख्यात हैं, अपितु इन घाटियों के मध्य प्राकृतिक झरनों के आंचल में शिव मंदिरों की बहुलता भी यहाँ की विशेषता रही है। जहाँ कभी ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी, इनमें से कुछ प्रसिद्ध शिव स्थल हैं अमरेश्वर, केलेश्वर, झोझेश्वर, सोलेश्वर, गौरेश्वर, भूतेश्वर, कमलेश्वर और रामेश्वर इत्यादि। इन स्थानों पर न केवल श्रद्धालु अपितु पर्यटक दर्शन ही गोठ मनाने के लिए भी जाते हैं। वनस्पति शास्त्र के प्रकांड विद्वान
शारंगधर ऋषि की कर्मस्थली गणेश जी रणथंबोर की पावन स्थली रही है, जिन्होंने शारंगधर संहिता नामक वनस्पति शास्त्र के ग्रंथ की रचना की थी। ऐसे ही विचित्र और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट जैन स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जैन स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।